घोसीपुरा निवासी युवक पहुंचे एसपी कार्यालय करने अपने पड़ोसी की शिकायत। युवक का कहना है कि उसका पड़ोसी आए दिन उसके साथ मारपीट करता रहता है और गाली गलौज भी करता है। वहीं युवक के द्वारा पड़ोसी की कई बार शिकायत की जा चुकी है, जिसमें कैंट कोतवाली एसपी कार्यालय व सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की गई है। वहीं युवक का कहना है कि आरोपी अपराधी भी है, जिसके कारण मोहल्ले के लोग उससे परेशान हैं। वहीं सीएम हेल्पलाइन पर कंप्लेंट करने के बाद आरोपी को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया था, जिसके बाद आरोपी के परिजनों ने उक्त युवक के घर पर हमला कर दिया था, जिससे डरा हुआ युवक आज एसपी कार्यालय अपनी फरियाद लेकर पहुंचा। नवीन जाटव और उसका परिवार रहता है। नवीन जाटव आजकल अपराधी है, मर्डर केस में जमानत शुदा है। वो आए दिनों अब गाली गलौज करता है, दारू पीकर कभी भी आता है, किवाड़ों में लात देता है। जब मैं विरोध करता हूँ तो मारने आ जाता है। एक दो बार मेरी माँ को मारपीट चुका है, मुझे भी मारपीट चुका है। जब मैं डायल 100 में कॉल करता हूँ, गाड़ी आती तब तक वो भाग जाता है। इसकी मैं कैंट थाने में भी शिकायत कर चुका हूँ, लिखित में आवेदन दे दिया है। सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत कर चुका हूँ, एसपी साहब से भी मिल चुका हूँ। मैं शिकायत कर रहा हूँ, उसकी अपराध की वीडियो बना रहा हूँ, तो वो उल्टा मुझे एक बोलता है हरिजन एक्ट लगा के तुझे जेल में सड़ा दूंगा, फर्जी एससी एसटी एक्ट में जेल में सड़ा दूंगा। उसके पास एक हरिजन एक्ट का हथियार है और वो उसी को दम पे परेशान कर रहा है। मैंने एसपी ऑफिस में भी आवेदन दिया है, मेरी माँ और मैं हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये एसपी साहब थाने में आवेदन दिया पहले, इसके बाद में फिर थाने में टाइप करा के दिया, फिर एसपी साहब को आवेदन दिया, इसके बाद में सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की। जब उस लड़के को बंद कर लिया तो उसके परिजन हैं और जो सह आरोपी हैं उन लोगों ने आज आकर मेरे घर पे हमला किया। मेरी माँ अकेली थी, मैं गार्ड की नौकरी करता हूँ, मेरी बुजुर्ग माँ अकेली थी, पिता नहीं है, तो उन्होंने घर में पत्थर भरके लाठी मारी, दीवारों में धक्की दी और कह रहे थे जान से मार देंगे।